नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में, हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर की। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजय हुए जनपद 10 में जनपद अध्यक्ष की होड़ लगी थी, जिसके निर्वाचन में सभी को पीछे छोड़ते हुए आरक्षण अनुसार श्रीमती सीमा कलावत तीतर बर्री अध्यक्ष एवं भूपत सिंह अग्रा पठार जनपद उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। निर्वाचन प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा के अधिकारी जिलाधिकारी काफी सतर्क नजर आए। प्रशासन ने जिले से पुलिस बल बुलाया। स्वयं SP श्रीमती मोनिका शुक्ला स्वयं सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त को संभालने के लिए रटेरी थाने पर मौजूद रही एवं विभिन्न थानों नटेरन मुरवास उनारसी आनंदपुरा एवं विदिशा पुलिस की भारी पहरेदारी के बीच चारों तरफ लगाए गए बैरिकेड के मध्य SDM श्री विजेंद्र रावत द्वारा नाम निर्देशन फॉर्म लिए गए एवं एक ही आवेदन आने की स्थिति में निर्विरोध अध्यक्ष श्रीमती सीमा कलावत निर्वाचित हुई तो वही उपाध्यक्ष श्री भूपत सिंह को भी चुना गया। श्रीमती सीमा कलावत ने बताया कि जनपद क्षेत्र में जितने भी कार्य किसानों और ग्रामीणों ने विकास के लिए होने हैं, नल जल सिंचाई योजना, सड़क, आवास, पेंशन, स्कूल शिक्षा, खेल एवं विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा एवं समस्त जनपद सदस्यों के साथ मिलकर सतत प्रयासरत रहेगी। लटेरी से नसीम हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। भविष्य में सारी ही योजना जो पंचायत के माध्यम से होती हैं, वो जनपद का सशक्त मार्गदर्शन लेकर हर पंचायत में लटेरी की जबरदस्त काम करने वाली है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ग्रामीण की सड़क हो, उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी योजना है, किसान देशी समस्त योजना, सबका कार्यान्वयन बहुत सशक्त तरीके से हो, ईमानदारी से हो, यही हमारी प्राथमिकता होगी। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो भी जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, क्या ये भविष्य में किसानों के हित में काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये आपकी भी आपकी भारतीय जनता पार्टी और इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जन कल्याण के कार्य करती है। आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध जीते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसमें संगठन का मानी विधायकी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों सैकड़ों योजना जो जन हितैषी है, जो जनता के लिए कल्याण के काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का अटूट विश्वास का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। जैसे कि लटेरी जनता परिषद के अंदर कितने सदस्य जो है भाजपा संगठन, लगभग सभी सदस्य, एक दो सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और सबकी सहमति के बाद ही ये संभव हो पाया है कि दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित निर्विरोध निर्वाचित। जैसा कि आपकी पार्टी के समर्थन से जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, काफ़ी हद तक लगातार दिखाई देता है कि आपकी उसमें काफ़ी अहम भूमिका रही है। भाई सभी की, मेरी क्या, सभी एक एक कार्यकर्ता की, उसको मेहनत होती है, संगठन के पदाधिकारी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई विरोध करने वाला ही नहीं बचा। जिस काम के लिए आपको चुना गया है, उस काम के लिए आपकी कोई कोशिशें हैं कि लोगों का विकास करने के लिए आप आगे आए हैं, तो इसकी जनता की सेवा करने के लिए आपके मन में कोई योजना है? जो काम आएगा वो जो मांगेंगे विधायक जी के साथ करेंगे। और बात ये जो आपके साथी बाकी बैठे हुए हैं, इन लोगों के क्षेत्र में जो काम होगा उस काम को भी आप प्राथमिकता देंगे, तो इन सब लोगों ने आपका समर्थन किया है, आपको चुना है, तो आप इन लोग इन सब का धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।